Hello students, welcome to my YouTube channel Papu Sir bse odisha. Today I am going to discuss in class 9 Ama Paribesa. Ama Paribesa आपनको पाई 50 टी MCQ नै करी आसी छी. ए 50 MCQ आपन केते मार रखु चंती निश्चित म कमेंट रे कमेंट कर जणातु एवं यह निश्चित आपनको अपकमिंग एसे 2 ताकि 20 रे परीक्षा पाई ए निश्चित फलप्रद रहिबो. तो प्रथम देखिबा कोन ना नंबर 1 कोन दै छी आपनकर गोटी अंचल वास करूथवा समस्त जीव और निजीव वस्तु को नहीं कौन गठित तो होई थाए. ऑप्शन ए परिसंस्था, ऑप्शन बी आपनकर जीवमंडल, ऑप्शन सी परिवेश, ऑप्शन डी वायुमंडल. तो राइट आंसर रहबा आपनकर ऑप्शन ए रहबा आपनकर परिसंस्था. ओके जेन जीव आपन नेक्स्ट आपनकर नंबर 2. नंबर 2 रे कोन अछि तो नंबर 2 रे अछि आपनकर परिसंस्था रे अणुजीवन को कौन कहा जाए. परिसंस्था रे अणुजीवन को कौन कहा जाए. तो फास्ट हम आपन को ऑप्शन ए हो उत्पादक, ऑप्शन बी हो रक्षक, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी भक्षक. राइट आंसर हो आपन को ऑप्शन सी जाकी अपघटक. देन जो नेक्स्ट नंबर 3 क्यों वैज्ञानिक इकोसिस्टम शब्द रो प्रचलन करी थिले. ऑप्शन ए जिबा एजी टांसेल, देन आपन को जिबा आपन को डार्विन, देन जिबा लामार्क, देन जीवा आपनकर ऑप्शन डी को जीवा आपनकर विलियम हार्वे. तो राइट आंसर रहबो आपनकर जाकी एजी टांसेल हो सठिक उत्तर. ठीक अछि पिले कोन रहबो आपनकर एजी टांसेल हो राइट आंसर. एबे जीवा नेक्स्ट नंबर आपनकर 4. नंबर 4 कोन अछि ना आपनकर खाद्य शृंखला केउ मानको आपनकर जाकी कहबा खाद्य शृंखला जाकी केउ माने द्वितीय खाद्य स्तर रे अछंती. ओके जहाँकि ऑप्शन ए जी आपनकर मांसासी, ऑप्शन बी को जी आपनकर तृणभोजी, देन ऑप्शन सी को जी आपनकर जहाँकि अपघटक, देन ऑप्शन डी को जी उत्पादक. तो राइट आंसर रहबो आपनकर जहाँकि बी रहबो तृणभोजी. ठीक अछि पिले देन जी नंबर 5 डाली जातीय फसल चेर क्यों बैक्टेरिया जैवक्षारजान विवर्धन करे. डाली जातीय फसल चेर क्यों बैक्टेरिया जैवक्षारजान विवर्धन करे. तो इकोली ना आम जीवा साल्मोनेला ना आपनकर जीवा राइजोबियम ना जीवा आना बना. तो राइट आंसर रहिबो आपनकर जहाँकि आम रखा आपनकर सी जहाँकि राइजोबियम राइट आंसर. ठीक अच्छी एबे नेक्स्ट जीवा नंबर आपनकर 6. देखो तो पिले 6 नंबर कौन अच्छी आंसर टी. तो 6 क्वेश्चन अच्छी ग्रह मानक मध्य सूर्यठर अवस्थान क्रम और पृथ्वीर स्थान केते प्रथम द्वितीय तृतीय ना चतुर्थ. ठीक अच्छे पिले कहतु निश्चित मो कमेंट कमेंट दिंतु. तो राइट आंसर कौन पड़ा ग्रह मानक मध्य सूर्यर अवस्थान क्रम अनुसार पृथ्वीर स्थान क्योंटी जैकि धक्रव्य 300 नेटो मीन्स आम तृतीय स्थान कौन रहा तृतीय. ठीक अच्छी ने जो वायुमंडल क्यों गैस परिमाण सर्वाधिक. वायुमंडल जो गैस अच्छी अनेक गुड़े गैस अच्छी ताभितर जबक्षारजान अच्छी, अम्लजान अच्छी, अंगारकाम्ल अच्छी, उद्जान अच्छी. तो वायुमंडल क्यों गैस परिमाण सर्वाधिक रहिबो. ऑप्शन ए जीवा जाकी जबक्षारजान. ठीक अच्छी एबे नेक्स्ट जीवा नंबर आपनकर 8 रे कोन अछि ना प्लव हेउछि एक डैश. ऑप्शन ए को जीवा उत्पादक, देन ऑप्शन बी को जीवा अपघटक, देन ऑप्शन सी जीवा पोषक, देन ऑप्शन डी जीवा भक्षक. कौन पिले प्लव हेउछि एक डैश हो ना आपनकर निश्चित भाव उत्पादक. ये कौन रहिबो आंसर टी. राइट आंसर हो आपनकर उत्पादक. देन जीवा आपनकर 9 नंबर 1935 में 1935 रे एजी टांसेल क्यों शब्द प्रचलन करी थिले. तो 1935 रे एजी टांसेल क्यों शब्द प्रचलन करथिले. ऑप्शन ए जीवा परिसंस्था, ऑप्शन बी जीवा इकोलॉजी, ऑप्शन सी जो इकोसिस्टम, देन ऑप्शन डी जो होयोस्टाटिक्स. राइट आंसर रहबो आपनकर सी रहबो इकोसिस्टम रहबो राइट आंसर. देन जीवा आपनकर नंबर 10 देखो तो 10 कोन अछि क्वेश्चन टी ना 10 अछि आपनकर सब प्रकार प्राथमिक भक्षक को कोन कहा जाए. सब प्रकार प्राथमिक भक्षक में कोन कोइ परिबा. ऑप्शन ए जीवा आपनकर सर्वभोजी, ऑप्शन बी जीवा तृणभोजी, ऑप्शन सी जीवा मांसासी, ऑप्शन डी जीवा उत्पादक. तो क्वेश्चन हो सब प्रकार प्राथमिक भक्षक को कौन कहा जाए तो निश्चित भाव कौन तृणभोजी रोब ना आप झिंटिका श्रेणी ग्रुप रिंटिका रे आपणकर गोरु छेली मेंढा इत्यादि रे जे सब प्राथमिक भक्षक मान जहाँकि प्लव जातीय उद्भिद बा आपणकर गच्छ बा लता को खाद्य ग्रहण करी खाती। नेक्स्ट नंबर 11 परी संस्था प्राणी मानकर खाद्य संपर्क गोटे सरलरेखा परी न होई छंदाछंदी होई कौन गठन करती। ऑप्शन ए खाद्य जाली, ऑप्शन बी खाद्य स्तर, ऑप्शन सी खाद्य रेखा, ऑप्शन डी आपणकर खाद्य पिरामिड। तो राइट आंसर रहबो आपणकर खाद्य जाली रहबो सठिक उत्तर। ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा आपणकर नंबर 12 केउठी एक सूक्ष्म पोषक, केउठी एक सूक्ष्म पोषक। ऑप्शन ए हम पोषक दुई प्रकार एक पोषक अनुसार न्यूट्रिएंट अनुसार दुई प्रकार गोटे माइक्रो टू माक्रो मान सूक्ष्म आउ स्थूल पोषक। जो गिभेन चारोटी ऑप्शन अच्छी आ भर के सूक्ष्म पोषक ऑप्शन ए जीव आपणकर नाइट्रोजेन, ऑप्शन बी जीव आपणकर बोरन, ऑप्शन सी जीव पोटासियम, ऑप्शन डी जीव फॉस्फोरस। तो राइट आंसर रहबो आपणकर जाकी बी रे सठिक उत्तर जाकी आपण बोरन को बाछि पारिबे राइट आंसर भाबे। ठीक अछि। ने जीवा 13 नंबर तृणभोजी परिसंस्थार केउ क्रमटी ठीक, तृणभोजी परिसंस्थार केउ क्रमटी ठीक। देखते पे जहाँकि आम कहवा ऑप्शन ए जीवा आपणकर घास, आपणकर बेंग, साप, झिंटिका, चिल। देन ऑप्शन बी रही आप देखो झिंटिका, बेंग, साप, चिल, घास। ये तो संपूर्ण भूल हम फास्ट हो कहीं घास तो कहीं बेंग खाए ना, घास किए खाए झिंटिका खाइब। तो ए बोधे भूल, बी भूल अच्छी, सी घास को खाइला झिंटिका, यस झिंटिका खाइला बेंग ना कौन पीले बेंग खाइला साप, साप को चिल। तो डीटा पढ़ीदेवा कौन अच्छी ना घास, बेंग, झिंटिका, साप, चिल। केवे भी बेंग को झिंटिका खाए ना। तो कौन अच्छी राइट आंसर ना सी रही सठिक उत्तर। ठीक अच्छी। देन जी आपणकर नेक्स्ट आपणकर नंबर 14 सबु प्रकार द्वितीयक भक्षक कौन कह जाए, सब प्रकार द्वितीयक भक्षक कौन कह जाए, कौन कहवा द्वितीय भक्षक किए हे ना। ऑप्शन उत्पादक हे ना, तृणभोजी हे ना, मांसासी हे ना, सर्वभोजी हे। तो राइट आंसर रहबो आपनकर ऑप्शन बी रहबो सठिक उत्तर जाकी तृणभोजी। कौन रहबो आपनकर तृणभोजी रहबो सठिक उत्तर। देन जी आपनकर नंबर 15 सर्वभोजी प्राणी किए। जो गिभेन अच्छी आपनकर बाघटी अच्छी, सापटी अच्छी, मनीषटी अच्छी, हाथीटी अच्छी। ये क्या सर्वभोजी कहवा सर्वभुक पर आम कहवा। तो ऑप्शन सी निश्चित भाव राइट आंसर रहिबो। ठीक अछि। एबे नेक्स्ट जीवा आपन नंबर 16 आपनकर पनी संस्था रे केउ माने अपघटक करी कार्य करि थांती, परी संस्था रे केउ माने अपघटक परी कार्य करि थांती। ऑप्शन ए जीवा तृणभोजी ओ उत्पादक, ऑप्शन बी जीवा आपनकर मांसासी आपनकर सर्वभोजी, ऑप्शन सी जीवा आपनकर मांसासी तृणभोजी, ऑप्शन डी जो मांसासी वो कबक। तो राइट आंसर रहिबो आपनकर जाकी ऑप्शन जे अपघटक जेहेतु अच्छी तो मांसासी वो कबक राइट आंसर ना कि ऑप्शन नंबर डी रहिबो सठिक उत्तर। जेन जीवा आपनकर नेक्स्ट आपनकर 17 नंबर। ठीक अच्छे पिले। तो 17 कौन हे 10% नियम किए प्रणयन करथिले, 10% नियम किए प्रणयन करिथिले। ए जी टांसेल, आर एल लैंडमैन, सी चार्ल्स एल्टन, डी फननिल। तो राइट आंसर रहिबो आपनकर जाकी आर एल लैंडमैन हो राइट आंसर। ठीक अच्छी। एबे नेक्स्ट जीवा आपनकर नंबर 18 देखो पे 18 कौन क्वेश्चन कौन अच्छी जदि तृणभोजी स्तर में मिलुवा शक्तिर परिमाण 20 कैलोरी हुए तो से ही खाद्य शृंखला मांसासी 2 को केते खाद्य बा केते कैलोरी शक्ति मिली बो। ठीक अच्छे पिले। तो 20 कहला प्रथम कौन प्रथमांश आप 2 हो डे 2 रू द्वितीय को जीव से कौन हो 0.2 मीन्स आपंकर ऑप्शन बी सठिक उत्तर 0.2। ठीक अच्छे पिले। देन जी आपनकर नेक्स्ट आपनकर नंबर 19 नंबर 19 कौन हम देखते पिले नंबर 19 अच्छी आपनकर जहाँकि गोबर गैस, धूमहीन कोयला, ओ जिलार व्यवहार पाई क्यों संस्था गाँ मानक कार्य करू अछि। ऑप्शन ए कल्पवृक्ष, बटवृक्ष ना केरल शास्त्र साहित्य परिषद ना सांस्कृतिक साहित्य परिषद। तो राइट आंसर रहबो आपनको जाकी केरल शास्त्र साहित्य परिषद मीन्स ऑप्शन नंबर सी रहबो सठिक उत्तर। ठीक अछि, देन जीवा आपनको नेक्स्ट आपनको जीवा नंबर 20 देखो क्वेश्चन पर कौन अछि क्यों प्राणी जाकी आपनकर जैव परिवर्धन जगू सबुठे अधिक क्षतिग्रस्त होउछि। क्यों प्राणीटी जैव परिवर्धन जगू सबुठे अधिक क्षतिग्रस्त होउछि। ऑप्शन ए मनीष, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी झंटिका, ऑप्शन डी साप। तो राइट आंसर रहइबो आपनकर निश्चित भाबे ए रहइबो सठिक उत्तर जाकी मनीष। ठीक अछि, नेक्स्ट 21 क्योंठी जैव विविधता हासिलर कारण नुहे। क्योंठी जैव विविधता हासिलर कारण नुहे। ऑप्शन ए जीवा आपनकर खनि खनन, ऑप्शन बी जीवा जंगल सृष्टि, ऑप्शन सी को जीवा नदीबंध योजना, ऑप्शन डी जीवा शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर कौन रहिबो आपनकर जंगल सृष्टि रहिबो सठिक उत्तर जाकी जंगल सृष्टि। देन जीवा आपनकर 22 परी संस्थार आपणकर स्वभोजी उदाहरण क्योंठी। स्वभोजी में जो जो मैंने कि जो जीव मान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम गुड़िक निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते कौन कि स्वभोजी उदाहरण कहुए स्वभोजी कहुए। किए रेबे नेमिबा ना कबक ना सबुज उद्भिद ना बीजाणु। तो राइट आंसर रहिबो आपनकर निश्चित भावे सबुज उद्भिद सठिक उत्तर। ठीक अछि, एबे नेक्स्ट जीवा आपनकर 23 नंबर 23 देखो कौन अच्छी क्यों जैव परिवर्तन जगू चढ़ेर अंडा खड़पा तैयारी बाधाप्राप्त होउछि। तो क्योंठी बा जैव परिवर्तन जगू चढ़ेर अंडा खड़पा तैयारी बाधाप्राप्त होउछि। ऑप्शन ए कीटनाशक औषध जहाँकि ऑप्शन बी को जीवा अपन जैव अवनतिक्षम पदार्थ, ऑप्शन सी जीवा पनीपरिबा, ऑप्शन डी रासायनिक सार। राइट आंसर रहिबा आपनकर जाके ऑप्शन ए कीटनाशक औषध। देन जीवा आपनकर 24 क्वेश्चन देखते पे कौन देछि परी संस्थार शक्तिर प्रभाव। आपन एक तरफ हम ना चक्राकार हम ना त्रिभुजाकार हम ना दिगविहीन हम। तो परी संस्थार शक्तिर प्रभाव होछि एक तरफा जैसे आर एल लैंडमैन दृष्टांत मानने दृष्टांत उपनीत करते परिसंस्था शक्ति प्रभाव केमी हम ना एक तरफा हेब। 25 परिसंस्थार शक्तिर प्रभाव काहाठू आरंभ हो शीर्ष भक्षक पहुँचे। काहाठू आरंभ होता है जो परिसंस्था में कहूचे जो शक्तिर प्रभाव काहाठू आरंभ हो शीर्ष भक्षक पहुँचे। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी तृणभोजी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन सर्वभोजी। राइट आंसर रहिबो आपनकर सूर्य रहिबो सठिक उत्तर। ठीक अछि, देन जीवा 26 आपनको देखंतु दिल्ली ओ एहार आखपाख अंचल रे वायु प्रदूषण उपरे गवेषणा करिबा सह सबुज बलय सृष्टि पई केउ संस्था कार्य करू अछि। तो आपनको देखंतु एडी कोन हो दिल्ली ओ आखपाख रे जो आपनो वायु प्रदूषण होउछि बा एयर पोल्यूशन होउछि तापरे केउ संस्था कार्य करू अछि। ऑप्शन ए आपनको जीवा निश्चित भाबे केरल शास्त्र साहित्य परिषद ना ये हूँ गोबर गैस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ना, बटवृक्ष ना, ऑप्शन डी हूँ आपंकर कल्पवृक्ष रहिबो सठिक उत्तर। ठीक अछि, देन जीवा 27 से कहूँ आपंकर जो कहवा जो शीतलकरण यंत्र जो निर्गत होउछि जो गैस टी जहाँकि ओजोन छिद्र अन्यतम कारण अटे। तो शीतल जंत्रु क्यों प्रकार गैस निर्गत होता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी H2S2। तो राइट आंसर रहिबो आपनका जाकी आपन सी रहिबो सठिक उत्तर जाकी CFC। नेक्स्ट 28 तापर गति विज्ञान रे प्रथम नियमटी कोन। तापर गति विज्ञान रे प्रथम नियमटी में कोन बोली बुझिबा। ऑप्शन ए शक्तिर सृष्टि हुए नाही, शक्तिर विलय हुए ना, शक्ति रूपांतर संभव नुहे, शक्ति गोटे रूपरू अनेक रूप को परिवर्तन होई थाए। तो रईट आन्सर रहा ऑप्शन नंबर डी रहा सठिक उत्तर। ठीक अच्छे पिले एबे जी 29 देखो पिले कौन दे जो इकोलोजिकल पिरामिड रो धारणा किए देथिले। इकोलोजिकल पिरामिड रो धारणा किए देथिले। ऑप्शन ए मेलविन कैल्विन, ऑप्शन बी एजिटान सेल, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी लैंडमैन। तो इकोलोजिकल पिरामिड धारणा किए देथिले सर्वप्रथमे जहाँकि आपनकर राइट आंसर रहिबो जे कि चार्ल्स एल्टन हो सठिक उत्तर चार्ल्स एल्टन। देन जी आपणकर केउठी सूक्ष्म पोषक अटे। केउठी आपणकर सूक्ष्म पोषक अटे तो स्थूल पोषक पढ़ी आसले बोरन ये देखा पोटासियम कैल्शियम सल्फर सोडियम केउठी सूक्ष्म पोषक अटे तो राइट आंसर रहिबो आपणकर जाकि सोडियम रहिबो सूक्ष्म पोषक। परी संस्थार पोषकर प्रभाव कौन जहाँकि आम किस पूर्व आम आलोचना करके आसलु जहाँकि परी संस्थार साधारणतः पोषकर प्रभाव शक्ति बल रोचे एकतरफा बट पोषक प्रभावी कौन हम तो चक्राकार। तो राइट आंसर रहा आपन ऑप्शन ए जहाँकि चक्राकार चक्राकार सठिक उत्तर। जे जी आप 32 देखते पे कौन दे केउठी एक स्थूल पोषक अटे तो सूक्ष्म पोषक गला एवं बढ़िया स्थूल पोषक। तो देखते पिले कपर हम कि मैंगानीज मैग्नेशियम बोरन तो राइट आंसर रहा आप मैग्नेशियम सठिक उत्तर जहाँकि से हूँ एक स्थूल पोषकर अंतर्गत। अश्वमंडल जहाँकि लिथोस्फीयर क्या द्वारा गठित। ऑप्शन ए हिमवाह, ऑप्शन बी जलवाष्प वो विभिन्न गैस, ऑप्शन सी हूँ माटी पत्थर पहाड़, ऑप्शन डी हूँ समस्त जीवजंतु व वृक्षलता। तो ठीक अश्वमंडल क्या अश्वमंडल कहले आम कौन बुझा ना आप कौन माटी पत्थर और पहाड़ मीन्स आप सी रही सठिक उत्तर। ठीक अच्छे जेन जी आप 34 देखते पे 34 कौन दौर खाद्य श्रृंखला खूब बेसी केतोटी खाद्य स्तर थाए अर्थात खाद्य श्रृंखला सर्वाधिक बा खूब बेसी केतोटी खाद्य स्तर थाए। ऑप्शन ए 2टी, ऑप्शन बी 3टी, ऑप्शन सी 4टी, ऑप्शन डी 5टी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी जहाँकि 5टी। परिवेश रे सबुठार कम शक्ति क्यों स्तर मिली थाए। परिवेश रे सबुठार कम शक्ति क्यों स्तर मिली थाए प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम। तो राइट आंसर शीर्ष भक्षक बामे कहवा पंचम भक्षक स्तर में सबुठार कम शक्ति मिली थाए। देन जा परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती अच्छे आप देखु 36 अम्ल वर्षा कारण क्यों दय अटे अर्थात अम्ल वर्षा साधारणतः कहा कहार सम्मिश्रण रे अम्ल वर्षा होता है। ऑप्शन ए अम्लजान उद्जान, ऑप्शन बी उद्जान व जबक्षाजान, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी फॉस्फोरस व नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर हम आप सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 व NO2 ये दुईटा ही जहाँकि अम्ल वर्षा मुख्यतः दायी अटंती। नेक्स्ट जी आप 37 से कौच आप ग्लोबल वार्मिंग जो कहवा वायुमंडल जो क्यों गैस वृद्धि जगू विश्वतापन बा ग्लोबल वार्मिंग होती अर्थात क्यों प्रकार गैस अधिक हेले वृद्धि पाइले द ग्लोबल वार्मिंगटा होता है। बड़ कथा हूँ सबुज कठोरी गैस ता सहित अंगारकाम ना अम्लजान व जबक्षाजान ना अम्लजान व उदजान ना जबक्षाजान उदजान। तो राइट आंसर रहा आप ऑप्शन ए अंगारकाम सहित सबुज कठोर गैस ही मुख्यतः दायी होता कौन पाई ना वायुमंडल जो विश्व तापन बा ग्लोबल वार्मिंग डेवलप पाई। निज 38 क्यों बैक्टेरिया स्वाधीन भाव जबक्षाजान को आमोनिया परिणत करों बैक्टेरिया स्वाधीन भाव जबक्षाजान को आमोनिया परिणत कर राइजोबियम ई कोलाई आर्कियोबैक्टेरिया साल्मोनेला। तो राइट आंसर रहा जहाँकि आर्कियोबैक्टेरिया राइट आंसर रहा जहाँकि ऑप्शन नंबर सी जो पिला चूज कर राइट आंसर। देखते पे आप बोरिंग होगा किसी आवश्यकता ना कहीं निश्चित भाव आपंकर परीक्षा अपकमिंग अच्छी एसए 2 परीक्षा आम 20 आरंभ हो जाऊँगी तो निश्चित कष्ट आपको पढ़ाई पड़ो। तो मुझे एमती अनेक गुड़े क्लास नहींक आसी मो डेस्क लिंक अच्छी लिंक को चलतु आप प्रत्येक विषय आप सिलेक्शन क्वेश्चन सहित आपंकर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू समस्त क्वेश्चन पाई पारे। परवर्ती अच्छी 39 आपंकर बिजुली जगू जबक्षारजान और अम्बजान रासायनिक बवर्धन में कौन सृष्टि हुए? ऑप्शन ए हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर रहा आप नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर। ठीक अच्छी एवं नेक्स्ट जीवा आप नंबर 40 क्यों माने बा क्यों मानकू स्वभोजी बा स्वपोषी बोली कह जाए कहवा? तृणभोजी, अपघटक, मांसासी, सबुज उद्भिद। तुम्हें क्या सबुज कहवा ना जो मैंने जो जीवन निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें से ही कहवा सर्वभोजी बोली कहवा। तो राइट आंसर रहा आप सबुज उद्भिद राइट आंसर। ठीक अच्छी एवं नेक्स्ट जीवा आपणकर जाकि जीवा 41 को जीवा। ठीक अच्छे पिले तो 41 कौन अच्छी क्यों इकोलोजिकल पिरामिड केवल सड़क होता है? क्यों इकोलोजिकल पिरामिड केवल सड़क होता है? शक्ति पिरामिड ना, वस्तुत्व पिरामिड ना, संख्या पिरामिड ना, जैविक पिरामिड। तो राइट आंसर हो शक्ति पिरामिड कहीं यह सर्वदा एक तरफा होता है। क्या सकल शक्तिर आधार कह जाए? आम क्या सकल शक्तिर आधार बोली कही परिबा? जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। तो राइट आंसर रहा आपंकर सूर्य। ठीक अच्छी एवं नेक्स्ट जीवा आप नंबर 43 तो प्रोटीन रु जो अमोनिया जो बाहर करी नाइट्रेट परिणत कर बैक्टेरिया को कौन कह जाए? से कहूँ साधारण तो प्रोटीन रु अमोनिया को बाहर करी नाइट्रेट परिणत करने को बैक्टेरिया को कौन कह जाए? आप देखो तो ऑप्शन देखा सल्फर बैक्टेरिया, नाइट्रीफाइनिंग बैक्टेरिया, साल्मोनेला, राइजोबियम। तो राइट आंसर रहा आपंकर नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया। ओके देन जीवा 44 से कौच आपंकर कहा जगू परिसंस्थारे पोषकर कुंड परिपूर्ण रहे? कहा जगू परिसंस्थारे पोषक कुंड परिपूर्ण रहे? ऑप्शन ए जा सबुज उद्भिद, ना आप जीवा प्राथमिक भक्षक, ना आप ऑप्शन सी जी आपंकर अणुघटक बा अपघटक, ना जी ऑप्शन डी मांसासी 2। राइट आंसर रहा आपंकर सबुज उद्भिद। यस देन जा 45 जैव परिवर्तन जगू आम शरीर कहार परिमाण बढ़ुची? जैव परिवर्तन जगू आम शरीर में कहार परिमाण बढ़ुची? पोषकत्व, जल, कीटनाशक, वर्ज्य वस्तु। तो राइट आंसर रहा आपंकर कीटनाशक। 45 आपंकर सी रहिबो सठिक उत्तर। देन जीवा आपंकर 46 से कहूँ सबुज बलय सृष्टि कल्पवृक्ष करुच्ची? धूमहीन कोईला व्यवहार किए बा क्यों संगठन करी थाए? तो आपंकर संस्कृत शास्त्र परिषद, ना बटवृक्ष, ना आपंकर केरल संस्कृत साहित्य परिषद, ना केरल शास्त्र साहित्य परिषद। तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी जाकि केरल शास्त्र साहित्य परिषद। देन जीवा आपनकर 47 पर्वत होची आपनकर उष्ण मंडल एटी हिम प्रभावटी कौन हम? आपनकर वायुमंडल, ना बारिमंडल, ना जलमंडल, ना हिममंडल। तो राइट आंसर रहा आपनकर हिम रहा जलमंडल। ओके देन जीवा कल्पवृक्ष कौन? कल्पवृक्षटी कौन? एक उद्भिद, ना उत्पादक, ना आपको एक स्वेच्छासेवी संगठन, ना एक पुराण वर्णित एक वृक्ष। तो राइट आंसर रहा आपंकर ऑप्शन सी जाकि एक स्वेच्छासेवी संगठन। देन जीवा 49 अतिबैगुणी रश्मि प्रभाव में क्यों रोग होबार संभावना रही अछि? अतिबैगुणी रश्मि प्रभाव में क्यों रोग होबार संभावना रही अछि? तो आपंकर फुस्फुजंत्र रोग, ना चर्म रोग, ना स्नायु संबंधी रोग, ना अंतराली संबंधी रोग। राइट आंसर रहिबा आपनकर चर्म रोग। ओके तो एंट्री कोन आपनकर चर्म रोग। नेक्स्ट जीवा अपन नंबर 50 वायुमंडल केउ गैस रो परिमाण वृद्धि विश्वतापन अन्यतम कारण अटे। वायुमंडल जदि आपन ऑब्वियसली जे अंगारकाम्ल गैस ही बढ़ी जीवो तो CO2 जो डेवलप करियो निश्चित भाव विश्वतापन होबार एक निर्दिष्ट कारण अटे। ये बछा बछा 50 MCQ जैक आम परिवेश विषयटी। तो मो परवर्ती आपन आउ एक सुंदर क्लास टे भेटीदेवी से विदाय दौची। हूँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।